कर आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिंगल अनबैलेंस मैकेनिकल सील क्या होती है और फिट कैसे होती है। तो आप देखेंगे ये ग्लांड प्लेट है जो कि स्टफिंग बॉक्स के साथ अटैच होती है और इसी में स्टेशनरी फेस भी होता है। इसके फंक्शंस ये है कि ये जो जो भी फेजेस है उसको ठंडा रखती है और ये कूलिंग अरेंजमेंट यहाँ से देखो हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो भी टेम्परेचर है वो इस बिगर जो मेटालिक पोर्शन है उससे आउट होता रहता है। अब ये फिट कैसे होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए अभी सबसे पहले ये ओरिंग है जो स्टेशनरी फेस को सील करती है विद द ग्लांड प्लेट। ये देखो अभी ये स्टेशनरी फेस है और ये टेफ्लॉन रिंग भी अंदर बैठ बैठ गया है जो कि स्टफिंग बॉक्स को सील करता है। अब ये है अपना स्टेशन रोटरी फेस है और ये उसका ओरिंग है जो स्लीप पे लगा होता है और ये स्प्रिंग है जो टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए हम लगाई जाती है और दिस इज द पंप स्लीप। तो ये कंप्लीट सेट है वो सिंगल अनबैलेंस मैकेनिकल। अभी हम ये फुल व्यू जो देख रहे हैं वो दूसरी साइड से देख रहे हैं। तो देखो अभी ये फिट कैसे होता है वो भी एक बार थोड़ा स्टडी करना ज़रूरी है। ये इसके दोनों पार्ट हैं तो आप देखेंगे कि देखो ये फिट कैसे हो रहा है। ये ग्लैंड ये गया एंड दिस इज ओ रिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द रोटरी फेस। ये रोटरी फेस आया और ये रोटरी जो फेस है वो ये स्प्रिंग के साथ कनेक्ट रहता है जो कि टेंशन प्रोड्यूस करता है स्टेशनरी रोटरी में और इसका सपोर्ट होता है ये पंप का स्लीप। देखिए अभी ये जो चार होल देख रहे हैं ग्लैंड प्लेट में ये एक्चुअली पंप के स्टफिंग बॉक्स के साथ फिट हो जाते हैं और आपका ये जो है वो फिटिंग अरेंजमेंट हम दोबारा देख रहे हैं। आपने देखा ही है ये ओरिंग है, फिर से मैं बोलता हूँ ओरिंग है जो स्टेशन फेस को सील करती है और ये टेफ्लॉन रिंग है जो कि स्टफिंग बॉक्स और एक ग्लैंड प्लेट को सील करती है। अब इसके बाद आता है स्टफिंग बॉक्स जिसमें रोटरी फेस। तो ये रोटरी फेस है, ये रोटरी फेस का ओरिंग है और ये है स्प्रिंग जो मेन कंपोनेंट होता है जो टेंशन रोटरी और स्टेशनरी फेस के बीच में एक टेंशन देता है। इसके में आएगी फिर पंप का स्लीप। तो टोटल ये जो हो जाता है मैकेनिकल सील।